A very good morning everyone. We are back in Corbett. दो सफारीज हो चुके हैं बट बहुत इंटरेस्टिंग कुछ नहीं मिला. यस्टरडे इवनिंग वी केम अक्रॉस द कब्स, पार वाली कब्स. हाँ, यहाँ पर भी एक पार है झरना में भी, और वहाँ पर बच्चे थे. बच्चे हमें दिखे, झलक दिखी, बहुत ज़्यादा घास में थे. वहाँ पर उन्होंने किल किया हुआ है. और ये ट्रिप जो मैंने बनाया था वो स्पेशली उन्हीं को देखने के लिए बनाया था. बहुत क्यूट है. और अब नेक्स्ट 7 सफारीज का, 6 एक्चुअली, 6 रह जाएंगी. नेक्स्ट 6 सफारीज का फोकस यही रहेगा कि हम उसी एरिया के आसपास कहीं पर रहे और देखें अगर हमें वो बच्चे मिल पाते हैं तो. मेन हमारा फोकस यही रहेगा. तो बहुत डेडिकेटेड ट्रिप है. आइडिया मेरा यही था इस ट्रिप का कि किसी ना किसी तरीके से एक बार वो बच्चे ठीक से दिख जाए और उनको हम अच्छे से शूट कर पाएँ. सो जस्ट प्रे फॉर मी, विश मी लक एंड कीप स्टे ट्यून्ड. सो 5 o'clock के आसपास हम लोग होटल से निकले. 5:30 तक हम लोग ढेला गेट पहुँचे और 5:45 का एंट्री टाइम था. अब ढेला गेट एंटर करते ही दोनों साइड पे आपको बहुत ही वास्ट ग्रासलैंड मिलेगा और मॉनसून में एकदम लश ग्रीन हो जाता है. उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर क्लाउड्स थे आसमान में. और मैं बहुत बहुत कुछ ज़्यादा बोलती हूँ आई थिंक, बट एनी वे मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स थे आसमान में. और कुछ 15 मिनट लगते हैं झरना के मेन गेट तक पहुंचने के लिए. 6:05 के आसपास हम लोग झरना गेट पहुंचे और शामदा ने उतर के परमिट्स चेक कराए. और बाय द टाइम वो परमिट्स चेक करवा रहे थे, लंगूर के बहुत सारे कॉल्स हमें सुनाई देने लगे. पर अपना टारगेट सेट था इसलिए हम लोगों ने वहां पर वेट नहीं किया और सीधा गए पार की तरफ. सो अभी हम लोग झरना जोन में एंट्री ले चुके हैं और एंट्री करते ही बहुत सारी कॉल्स थी, बट फिलहाल हम लोग सीधा पार्क की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हमने कल शाम को कब्स को छोड़ा था. कल बहुत लेट हो गया था इसलिए हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर पाए, बट आई कुड सी अ लिटिल कब इनसाइड. बहुत ज़्यादा ग्रास में था, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, बट आई कुड सी द फेस, आई कुड सी द बेली ऑफ वन ऑफ द कब्स लाइंग. सो फ्रॉम वॉट आई सॉ इट लुक्ड प्रीटी फुल एंड पेटी श्योर दैट इज़ अ किल, क्योंकि किल का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल भी था. तो अभी हम उसी तरफ को जा रहे हैं और सीधा वहीं पर जाकर के वेट करेंगे. अगेन अगली 7 सफारीज में मेरा टारगेट वही है कि एक बार एक अच्छा गुड लुक आपके कब्ज मिल जाए और कुछ अच्छे इमेजेस मिल जाए, तो फोकस से भी वेट नहीं होंगे. Behind these vlogs, my idea is to give you everything raw, to tell you guys what I'm doing inside the jungle, to tell you guys how we plan our day, to tell you guys how we plan our safaris, पूरा दिन कैसा रहता है. तो idea वो है, इसलिए absolutely raw होने वाले. बहुत लोग आप में से पूछते हैं कि जंगल का एक्सपीरियंस रहता कैसे, आप लोग करते क्या हो, आप लोग कैसे अंदर जाते हो, परमिट्स कैसे होते हैं. तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछते हैं, उन चीज़ों का एड्रेस करने के लिए ब्लॉग्स बनाए और आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए ब्लॉग्स बनाए कि जंगल के अंदर कैसे चलता है सब कुछ और नॉर्मल सफारी में हम लोग क्या करते हैं. सो यू नीड टू टेल मी कि आप ब्लॉग्स को इन्जॉय कर रहे हैं कि नहीं. If you are, I need to know in the comment section below because that is the only way, that is one of an efficient ways through which we can communicate. So keep commenting and keep letting me know your reviews so that I can improve on these vlogs so that I can improve your experience of watching them. तो एंट्री के कुछ आधे पौने घंटे बाद हमें पता चला कि कुछ टाइगर्स की क्रॉसिंग मिली है. दो फीमेल स्पॉट हुई है, एक मेल स्पॉट हुआ है. हमने पार्क अराउंड ऑलरेडी ले लिया था तो हमने सोचा कि एक बार उस एरिया में जा कर के देख लें कि वहाँ चल क्या रहा है एग्जैक्टली. उसके जहाँ पे कलम ने कब्जे किए थे उसके आसपास पूरे पग मार्क्स हैं, नाले के अंदर पूरे पग मार्क्स हैं. और यहाँ पे एक दूसरी फीमेल है झरना की जो अभी बाकी गाड़ियों को दिखी है. हम लोग का फोकस ज़्यादा उस साइड पे है. ये फीमेल पूरा पानी क्रॉस करके आई है, बोल्ड फीमेल है. एंड आई सॉ दैट फीमेल ऑन दिस पर्टिकुलर साइड ऑफ द पार्क. हाउएवर ऑल द व्हीकल्स आर वेटिंग बिकॉज दे आर काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग द फीमेल टू कम आउट एंड क्रॉस द रोड. But I think we are going to head towards the place where the cubs are there and concentrate there only. अब देखिए पार्क में बहुत सारे कॉर्नर्स हैं और हर कोने में कहीं ना कहीं साइटिंग तो चलती रहती है क्योंकि टाइगर्स बहुत हैं, थोड़े शाई हैं. पर हम लोग का फोकस इस बार हर हालत में 4 नंबर के बच्चे था और उसी को दिमाग में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि यहाँ जो मर्जी साइटिंग हो उस पर ध्यान नहीं देना है. गाड़ी उठाई, मतलब उठाई नहीं चलाई, और चलाते चलाते चल दिए पार्क की तरफ. पर रास्ते में चलते चलते हमें अचानक से लंगूर की बहुत तेज़ तेज़ कॉल्स सुनाई देने लगी. एग्जैक्टली नहीं पता कौन सी फीमेल है बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि सामने से आएगी.
घास के अंदर दिख गई है, बहुत ज़्यादा पत्तों में बैठी थी. द मोमेंट आई पिक्ड अप द कैमरा वो मूव कर रहे हैं हृदय के अंदर. सो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि सामने से आएगी, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. So we finally saw the tiger and it came out as we were assuming it to come out. Shy hai, female hai. Jaise hi hum log pahunche, gaadi ki awaaz sun ke wo thoda sa grass mein chup gayi, par langurs ka call itna zyada tha aur langurs bilkul niche dekh ke call kar rahe the. So we had a fair idea that tiger wahin par hai. Thoda sa dhang se dekha grass ke andar, and there she was looking at us. And we gave it time, we gave it some space. Gaadi thoda peeche lagayi aur wo dheere अंदर की तरफ चलना स्टार्ट हो गई. और टाइगर्स का यूजुअल एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है कि वो किधर से क्रॉस करेंगे. तो ऑफकोर्स जहाँ से वो हर बार क्रॉस करते हुए वर अज्यूमिंग के उधर से ही निकलेगी, उसी जगह से थोड़ा दूर हमने गाड़ी खड़ी करी एंड इट केम आउट. द मोमेंट इट केम आउट इट लुक्ड एट अस एंड आई क्लिक्ड अ कपल ऑफ शॉट्स. फोटोज हमको मिल गए, कंपेयर किया, स्ट्राइप्स कंपेयर किए. तो देन वी गॉट टू नो कि जो अभी टाइगर्स हमें दिखे, लास्ट टाइम वाली टाइगर्स की मदर है. एंड इफ यू वांट टू सी हाउ वी एनकाउंटर्ड द डॉटर ऑफ द टाइगर दैट वी सॉ टुडे, then here is the vlog. और experience in itself was very good, because जब पार्क में हर जगह कुछ 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 sighting हो रही होती है और ज़्यादातर shy tigers दिख रहे होते हैं, and then suddenly you get that particular tiger which is all alone with no jeeps around, and it looks at you all alone. So it's a very different kind of a moment. It's just pure sheer happiness. वो सामने दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये binoculars के through एक view है. बड़े बड़े hooves दिख रहे हैं सांबर के, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो. मैं मार्क कर देती हूँ. सो देयर इज अ किल राइट इनसाइड. बहुत ज़्यादा मक्खियाँ यहाँ पर, उससे भी कुछ गैस, दैट समथिंग इज हैपनिंग. देयर इज अ लॉट ऑफ स्मेल आल्सो, एंड देयर इज अ प्लेस वेयर द कब्स एंड द मदर आर यूजुअली सीन. कल हमें यहीं पर बच्चे मिले थे अंदर की साइड पर शाम की सफारी में, और अभी यहाँ पर किल है. स्मेल कुछ दो तीन दिन से आ रही है, बट वॉट वी आर अज्यूमिंग इज लाइक अ बिगर किल, सांबर किल, एंड नॉट ईटन दैट मच. Probably it's the second kill, or maybe perhaps a tiger has abandoned it or whatever, but it's not eaten yet. So we will wait here. We are going to come here tomorrow also. But we just saw the kill made by a tiger. So another safari came to end. I think it was a safari well spent, because it too, of course, tracking was so much of fun. And then secondly, we saw the tiger. So ek opening sighting ise maan sakte hain is trip ki. बहुत इम्प्रेसिव नहीं था, ठीक है, इट वाज अ क्रॉसिंग, बट अपने आप में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बिकॉज जगह जगह थोड़ा थोड़ा कहीं 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 साइडिंग चल रही थी. और फिर जब आप अकेले होते हो ना जंगल में, जब आपको अकेले में वो मोमेंट मिलता है जिसमें आपको टाइगर मिलता है, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल मोमेंट इन इटसेल्फ. तो वो मिला, उससे एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है. एक लुक मिली, बट टाइगर की एक लुक ही काफ़ी है, तो दैट वॉज देयर. एंड ऑल इन ऑल इट वॉज गुड. ऑफकोर्स वी सॉ द किल ऑल्सो, वी फाउंड द किल ऑल्सो. So, sham ka plan yehi hai that we're going to go directly to the kill and we are going to wait there. Maybe something happens, maybe the tigress comes and maybe it kind of calls the cubs and they come on the road or something like that. Sighting wo expect kar rahe hai. So, sham ko bhi movement acha rahega, pretty sure, but hum seedha wahi pe jaane wale hai. But,